हाय फ्रेंड्स, अभी हम स्टडी करने वाले हैं एक न्यू पॉइंट्स जिसको हम कहते हैं कमर्शियल बैंक। बहुत सारी बैंक के बैंक स्टडी करते वक्त अभी बैंक्स का रोल्स क्या है कंपनी के फाइनेंशियल में, कॉरपोरेट फाइनेंस में, उसमें कमर्शियल बैंक्स क्या करती है, ये अभी हम सब इसमें स्टडी करेंगे। कमर्शियल बैंक्स क्या है? देयर आर नंबर ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म बिजनेस रिक्वायरमेंट अमंग दिस। जो कंपनी को जब शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म्स की जब रिक्वायरमेंट होती है फाइनेंस की, तो नंबर ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग, नंबर ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग कंपनी के पास अवेलेबल होते हैं। बट अमंग दिस कमर्शियल बैंक कॉन्स्टिट्यूटेड द मोस्ट प्री डिटरमाइंड सोर्स। तो फिर उसमें जो कमर्शियल बैंक है ये प्री डिटरमाइंड एक सबसे बेस्ट वे होता है, जो जब सबसे बेस्ट सोर्स। कमर्शियल बैंक्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन कॉरपोरेट फाइनेंसिंग इन इंडिया। जो इंडिया में कॉरपोरेट फाइनेंसिंग है, कॉरपोरेट को जो फाइनेंस प्रोवाइड करना है, इसमें सिग्निफिकेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक रोल प्ले करते वक्त कमर्शियल बैंक्स बाय इंट्रोड्यूसिंग वैरायटी ऑफ डिपॉजिट स्कीम। जो अलग अलग डिपॉजिट स्कीम है पब्लिक, कमर्शियल बैंक क्या करती है, पब्लिक को अलग अलग वैरायटी ऑफ स्कीम अवेलेबल करके उनसे कैश कलेक्ट करती है, और वो कैश मी टू कंपनीज को प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि कंपनी कमर्शियल बैंक्स बाय इंट्रोड्यूसिंग वैरायटी ऑफ डिपॉजिट्स स्कीम्स टेलरेड टू इंडिविजुअल डिपॉजिटर्स नीड्स। यानी जो इंडिविजुअल डिपॉजिटर्स है, जो बैंक में कमर्शियल बैंक्स में डिपॉजिट्स करते हैं, नीड्स मोप ऑफ सेविंग ऑफ पीपल एंड मेक यूज दिस सेविंग टू मीट वेरियड रिक्वायरमेंट्स ऑफ कॉरपोरेट इंटरप्राइजेस। तो फिर कमर्शियल बैंक्स क्या करती है, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर उनसे जो एक डिपॉजिट्स है वो डिपॉजिट्स कलेक्ट करती है, और वो डिपॉजिट कलेक्ट करके उस डिपॉजिट का यूज ऑफ दिस सेविंग्स टू मीट वेरियड रिक्वायरमेंट ऑफ कॉरपोरेट इंटरप्राइजेस। जो कॉरपोरेट इंटरप्राइजेस को लोन की रिक्वायरमेंट है, वो लोन की रिक्वायरमेंट फुलफिल करती है। कमर्शियल बैंक्स असिस्ट कॉरपोरेट इंटरप्राइजेस जैसे कि बाय ग्रांटिंग टर्म्स लोन टू कंपनीज। कंपनी के जो लोन्स है वो ग्रांट करना, बाय सब्सक्रिप्शन टू शेयर्स एंड डिवेंचर्स ऑफ कंपनी, कंपनी के शेयर्स एंड डिवेंचर सब्सक्राइब करना, एंड बाय अंडरराइटिंग और द इशू ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी, और अंडरराइटर का रोल प्ले करना। कमर्शियल बैंक्स क्या कर रही है, बाय ग्रांटिंग टर्म्स लोन टू कंपनीज, कंपनी को लोन प्रोवाइड करना है या फिर शेयर्स एंड डिबेंचर सब्सक्राइब करना है, एंड बाय अंडरराइटिंग ऑफ द इशू ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी, और एक अंडरराइटर का रोल प्ले करना है। कमर्शियल बैंक ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस। कमर्शियल बैंक एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दे हैव बिकम प्राइमरी सोर्सेज। ये जो सोर्स है, ये प्राइमरी सोर्स है ऑफ फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो इससे फुलफिल होती है। इन इंडिया प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल आर बैंक क्रेडिट एंड ट्रेड क्रेडिट के थ्रू वो अपने जो कुछ शॉर्ट टर्म फाइनेंस है उसको प्रोवाइड कर दिए। बैंक्स हैव इंट्रोड्यूस मेनी इनोवेटिव स्कीम्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट देयर एज फॉलो। बैंक अलग अलग कुछ स्कीम लॉन्च करती है क्रेडिट्स देने के लिए, जिसमें कि फर्स्ट ओवरड्राफ्ट क्या है, कमर्शियल बैंक्स जो एक सर्विस प्रोवाइड करती है जिसमें इम्पोर्टेंट सर्विस होती है ओवरड्राफ्ट। सबको मालूम है, जिस बिजनेसमैन का अकाउंट करंट अकाउंट होता है, उस करंट अकाउंट पे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। अगर
ओवरड्राफ्ट। देखो करंट अकाउंट होल्डर को ओवरड्राफ्ट कैसे किया जाता है, यानी उसके अकाउंट में अगर कैश नहीं है बट उसकी एक क्रेडिट है बैंक में, तो बैंक उसके क्रेडिट के हिसाब से या फिर उसके ट्रांजेक्शन की क्रेडिट देख के उसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, यानी उतनी कैश उसके अकाउंट में कैश नहीं है बट वो कैश विड्रॉ कर सकता है, इसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट। तो ये हम सबको मालूम है करंट अकाउंट होल्डर को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। अभी तुम्हारे सबके अकाउंट है सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में जाओ बैंक में कि हमें ओवरड्राफ्ट चाहिए, आपको वो रिजेक्ट करेंगे आपकी डिमांड। तो फिर ये सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर को मिलती है। तो फिर बैंक कमर्शियल बैंक्स जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए जो अलग अलग वैरायटीज अलग अलग इनोवेटिव स्कीम्स जो अलग अलग स्कीम लॉन्च करती है उसमें क्या कहे फर्स्ट स्कीम है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या है, अ कंपनी हैविंग करंट अकाउंट विद द बैंक इज अलाउ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज। अ कंपनी हैविंग करंट अकाउंट, उस कंपनी का उस बैंक में हैविंग करंट अकाउंट विद द बैंक इज अलाउड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, करंट अकाउंट पे वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज है। द बोरोअर कैन विड्रॉ फंड्स एज एंड व्हेन नीडेड, द बोरोअर कैन विड्रॉ फंड्स एज एंड व्हेन नीडेड, जब उसको कैश की रिक्वायरमेंट है तब वो अपने अकाउंट करंट अकाउंट से कैश विड्रॉ कर सकता है। ही इज अलाउड टू ओवरड्रॉ, ही इज अलाउड टू ओवरड्रॉ ऑन द दिस करंट अकाउंट, ऑन इस करंट अकाउंट जो उसका करंट अकाउंट है उस पर एक फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है ओवरड्राफ्ट की, ओवरड्राफ्ट अप टू द क्रेडिट लिमिट विच इज द सैंक्शन बाय बैंक। एक क्रेडिट लिमिट तक, अप टू द क्रेडिट लिमिट विच इज द सैंक्शन बाय बैंक, बैंक ने एक सैंक्शन की है कि ये क्रेडिट लिमिट तक वो अपने कंपनी करंट अकाउंट से कैश एनी टाइम विड्रॉ कर सकता है, एनी मैक्सिमम टाइम विड्रॉ कर सकते हैं। विद इन दिस स्टिपुलेटेड लिमिट एनी नंबर ऑफ ड्रॉइंग्स आर परमिटेड, विद इन दिस स्टिपुलेटेड लिमिट एनी नंबर ऑफ ड्रॉइंग्स आर परमिटेड, यानी एक जो स्टिपुलेटेड लिमिट है उसमें वो कंपनी के कंपनी मैक्सिमम टाइम या फिर लिमिट तक वो कैश विड्रॉ कर सकती है। रीपेमेंट्स कैन बी मेड वेन एवर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, रीपेमेंट कैन बी मेड वेन एवर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड। और जो रीपेमेंट है यानी अभी कैश विड्रॉ की वो ड्रॉप से तो वो एक लिमिट नेक्स्ट टाइम यानी तुम्हें जो टाइम ऑफ टाइम दिया गया है लिमिटेड टाइम उसमें वो फिर से कैश पे करनी है। रीपेमेंट कैन बी मेड वेन एवर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड में उसे पे करनी है। द इंटरेस्ट ऑफ डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल अमाउंट विड्रॉ, द इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड, इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड, इंटरेस्ट डिसाइड करते हो कैसे, तुम्हारे अकाउंट में 1 लाख रुपीज है और तुमने 6 लाख रुपीज विड्रॉ किए, अकाउंट में ओनली कितने 1 लाख, कितने के एक्स्ट्रा विड्रॉ किए 5 लाख, तो ये 5 लाख रुपीज पे तुम्हें इंटरेस्ट पेड करना होगा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज में। तुम्हारे अकाउंट में कैश नहीं थी बट तुमने तो भी 5 लाख रुपीज तुम्हारे से तुमने विड्रॉ किए, जितना टाइम तुम उस कैश को यूज करेंगे उतने के लिए तुम्हें उसमें इंटरेस्ट पे करना होगा। उसके बाद नंबर सेकंड है कैश क्रेडिट, नंबर सेकंड कैश क्रेडिट, ये एक स्कीम इनोवेटिव स्कीम कंपनी लॉन्च करती है कैश क्रेडिट। इसमें क्या है, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड पॉपुलर फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग एड, ये सबसे पॉपुलर फाइनेंसिंग एड एक इंस्ट्रूमेंट है गिव कैश क्रेडिट, जिसमें दिस फॉर्म ऑफ क्रेडिट इज ऑपरेटेड इन द सेम मैनर एज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज। इसमें क्या कहा जाए, क्या कहा गया है, दिस फॉर्म ऑफ क्रेडिट इज ऑपरेटेड इन सेम मैनर्स, जो कुछ रूल्स है सेम मैनर जस्ट लाइक ओवरड्राफ्ट में जैसे मैनर्स फॉलो किए गए वैसे ही कैश क्रेडिट में फॉलो किए जाएंगे। द बोरोअर कैन विड्रॉ अमाउंट फ्रॉम हिज कैश क्रेडिट अकाउंट अप टू स्टिपुलेटेड लिमिट बेस्ड ऑन सिक्योरिटी मार्जिन, सिक्योरिटी मार्जिन यानी
एक इसमें कैश क्रेडिट में क्या बताया गया है, द बोरोर कैन विड्रॉ अमाउंट फ्रॉम हिज कैश क्रेडिट अकाउंट। जो बोरोअर है, जो कंपनीज है, जो कैश विड्रॉ करने वाली कंपनी है या बोरोअर है, वो कैश विड्रॉ करता है अप टू स्टिपुलेटेड लिमिट बेस्ड ऑन सिक्योरिटी मार्जिन। यानी जो मार्जिन तुमने कंपनी के पास रखा है, उसके मार्जिन के स्टिपुलेटेड लिमिट तक कंपनी की कैश तुम विड्रॉ कर सकते हो। कैश क्रेडिट अकाउंट ऑफ स्टिपुलेटेड लिमिट बेस्ड ऑन सिक्योरिटी मार्जिन। कैश क्रेडिट इज गिवन अगेंस्ट प्लेज और हाइपोथिकेशन ऑफ गुड्स और बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव सिक्योरिटीज। कैश क्रेडिट इज गिवन अगेंस्ट प्लेज और हाइपोथिकेशन ऑफ गुड्स। गुड्स को कंपनी ने सिक्योर किया है वहाँ पे, यानी जैसे कि हम कहते हैं कि लीज कंपनी ने वहाँ पे सिक्योर किया है कि उसके बदले में कंपनी लोन ले सकती है। यानी अभी तुम्हारे शॉप में गुड्स है और तुमने वो गुड्स बैंक को हाइपोथिकेशन किया है उसको, जैसे कि जे हमारे एक लैंग्वेज में कहते हैं उसे गहन रखना वैसे, तो फिर उसको प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव सिक्योरिटीज, यानी जो कुछ अल्टरनेटिव सिक्योरिटीज यानी कुछ भी मार्जिन रख के उसके लिमिटेशन तक कंपनी उससे कैश क्रेडिट ले सकती है। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट बोरोड एंड नॉट ऑन द क्रेडिट लिमिट सैंक्शन। फिर इंटरेस्ट कैसे होता है, इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट बोरोड। जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट उनकी है, जो अमाउंट बैंक में पे करना बाकी है, उस पर इंटरेस्ट कंपनी चार्ज करती है एंड नॉट ऑन द क्रेडिट लिमिट सैंक्शन। बट जब तक क्रेडिट लिमिट सैंक्शन किए उस पर इंटरेस्ट नहीं होता है। उसके बाद नंबर थर्ड, कैश लोन। कैश लोन में हमने, हम सबको मालूम है ये सिस्टम, कैश लोन लोन के लिए एप्लीकेशन करना है, बैंक हमारे हमें कैश प्रोवाइड कर दिए। अंडर दिस द टोटल अमाउंट ऑफ लोन इज क्रेडिटेड बाय बैंक टू द बोरोअर्स अकाउंट। जो कुछ टोटल अकाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ लोन, वो बैंक बोरोअर के अकाउंट में क्रेडिट कर देती है। इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन एक्चुअल बैलेंस आउटस्टैंडिंग। जो कुछ आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उस पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है कैश लोन में। कैश लोन सबको मालूम है। डिस्काउंटिंग ऑन, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ये तुम्हें अकाउंट में एक टॉपिक है, उसमें सब अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कैसे बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या कहा जाए, क्या कहा गया है, द ड्रॉवर ऑफ द बिल। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पर्सन होते हैं, ड्रॉवर, ड्रॉवी, पे। तो फिर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में बैंक, हम देखते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज पे कम जो कुछ ड्रॉवर, ड्रॉवी या फिर पे वो बैंक में डिपॉजिट कर से वहाँ से कैश ले सकते हैं। ये जब तुम्हें बिल ऑफ एक्सचेंज टॉपिक स्टडी किया जाएगा तब 2 मार्क्स के लिए उसकी एंट्री होती है। द ड्रॉवर ऑफ द बिल, जिसको ड्रॉवर कौन होता है, सेलर, कैन रिसीव मनी फ्रॉम ड्रॉवी। ड्रॉवी कौन होगा, बायर, यानी जो परचेस करने वाला है, यानी जिसने गुड्स परचेस किया है और ड्रॉवर को पे करने वाला है पे अमाउंट। द ड्रॉवर ऑफ द बिल कैन रिसीव मनी फ्रॉम ड्रॉवी ऑन ड्यू डेट और आफ्टर ड्यू डेट कुछ वक्त। बहुत बार क्या होता है, ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं कि अमाउंट पे करनी है तो हम गुड्स तो परचेस किया जाता है, बट गुड्स परचेस करने के बाद बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, तो गुड्स परचेस कर दे, परचेसर क्या करता है, गुड्स होलसेलर से परचेस करता है और उसको कहता है कि आफ्टर 2 मंथ्स 3 मंथ्स कुछ अमाउंट पे करूँगा। ये ट्रांजेक्शन हो रहा है, बट उस वक्त क्या किया जाता है, वो जो ट्रांजेक्शन है उसको सिक्योर करने के लिए जो सेलर है वो क्या कहता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज मैं आप पे ड्रॉ करता हूँ। ड्रॉवर क्या कहता है कि मैं आप पे एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता हूँ, यानी होलसेलर क्या करेगा, फिर जो परचेसर है उसको एक राइटिंग में बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएंगे। तो फिर द ऑन ड्यू डेट और आफ्टर द ड्यू डेट ड्रॉवर कैन रिसीव मनी बिफोर ड्यू डेट बाय डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक। तो फिर जैसे होलसेलर ने क्या किया, अभी मैं होलसेलर हूँ और तुम परचेसर हो, यानी एक
परचेस करने वाले, मैंने तुम पे बिल ड्रॉ किया है, तुम मुझे कैश देने के लिए एक कैश देने वाले हो, बट तुम्हारे पास आज कैश नहीं है, तुम आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ्स के लिए कैश है, बट ये ट्रांजेक्शन सिक्योर्ड होने के लिए हमने क्या किया, एक बिल बनाया। उसके बाद 2 और 3 मंथ्स के एक जो मैच्योरिटी डेट है उसके बाद उसके पहले ही मुझे कैश की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो फिर मैं क्या करूँगा, उस बिल को बैंक में डिस्काउंटिंग करूँगा, बैंक में डिस्काउंटिंग करूँगा। यानी क्या कहा जा रहा है, द ड्रॉवर कैन रिसीव मनी बिफोर ड्यू डेट। ड्रॉवर को अगर बिफोर ड्यू डेट कैश की रिक्वायरमेंट है ड्यू डेट, बाय डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक, वो बैंक में बिल डिस्काउंटिंग करेगा। दिस इज नथिंग बट सेलिंग द बिल टू द बैंक। ये बैंक ये क्या है, दिस इज नथिंग बट सेलिंग द बिल टू द बैंक। बैंक को वो बिल सेल करता है, बैंक को वो बिल सेल करता है। द बैंक गिव्स मनी टू ड्रॉवर। बैंक क्या करेगी, ड्रॉवर को वो मनी जो उसकी डिमांड है उस हिसाब से या फिर वो बिल के हिसाब से जो कुछ परसेंटेज काट के वो बिल पे अमाउंट पे करेंगी। द बैंक गिव्स मनी टू ड्रॉवर लेस देन द फेस वैल्यू ऑफ द बिल। जो बिल की फेस वैल्यू उससे लेस करके वो कैश उसे ड्रॉवर को देगी। दिस बिल एक्सचेंज आर ट्रेड बिल्स। इसको क्या कहते हैं, ट्रेड बिल्स। दे आर एक्सेप्टेड बाय बैंक एंड कैश इज एडवांस अगेंस्ट देम। ये बैंक एक्सेप्ट कर सकती है, ये स्कीम दी है बैंक ने कि हाँ ठीक है बिल ऑफ, तुम्हारे पास आज मार्जिन रखने के लिए कुछ नहीं है तो बिल ऑफ एक्सचेंज हमारे यहाँ पे डिपॉजिट करो और उसके बदले में कैश लेके जाओ। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इसे कहते हैं। फिर बैंक की मैच्योरिटी डेट होने के बाद ड्रॉ भी वो कैश बैंक में डिपॉजिट करेगा विथ इंटरेस्ट पेड करेगा और वो बिल उस बिल बैंक से ले जाएगा। तो इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो फिर दे आर एक्सेप्टेड बाय बैंक्स एंड कैश एडवांस अगेंस्ट देम। उसके बाद तो यहाँ पे हमने देखा कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक्स में हमने देखा जो बैंक्स अलग अलग स्कीम प्रोवाइड करती है, जिसमें हमने देखी ओवरड्राफ्ट स्कीम, कैश क्रेडिट स्कीम, कैश लोन स्कीम, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज हमने स्टडी की। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे बुक्स में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो तुम्हारे सिलेबस से कट किया गया है। ओके okay?